एक बार जो जिसका बेटा बन जाता है तो कभी उसका बेटा दोबारा नहीं बनता। एक बार तुम्हारे गर्भ से जो आ गया दोबारा कभी नहीं आएगा, करोड़ों जन्मों तक नहीं आएगा। अब तुम्हारे गर्भ से दूसरे ही फिर बच्चे पैदा होंगे, कोई दूसरा। ये हिसाब किताब कर्मों का लेखा जोखा है। तो ये संसार में यही है, कोई है किसी का नहीं, पर भगवान की माया का पर्दा इतना प्रबल है, सब दिखाई ये पड़ता है, सब मेरे हैं। गीता में भगवान ने यही समझाया है, कहा है भगवान ने, कबीरदास जी ने भी गाया है, कोयलिया बोली रे बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं आ रे, कोई नहीं है भगवान के सिवा। सब कहा है, समझाया है हमारे साधु संत ऋषि मुनियों ने, जिनको जो अनुभव हुआ है। तो फिर ये पति पत्नी कौन, पुत्र कौन, तुम्हारी पिछले जन्म का किसी से कोई हिसाब किताब बाकी था तो वो तुम्हारी पत्नी बन के आई, तुम्हारा पुत्र बन के आया, पति बन के आया, माँ बन के, बाप बन के, चुका रहा, चुक गया, छुट्टी। एक जन्म में जिसकी तुम पत्नी बन गई हो, अब हो गया, अगले जन्म में फिर कोई और ही मिलेगा। पता नहीं अगले जन्म में हम लोग मनुष्य भी बनते हैं कि नहीं, कौन जानता है। कई लोग कहते हैं महाराज जी तो हमारे सात जन्म का, ये तो तसल्ली है, तुम सात जन्म की बातें कर रहे हो, अच्छा है, पर अगले जन्म का क्या है, अगले जन्म तुम मनुष्य बनोगे, इसकी क्या गारंटी है, जैसी करनी वैसी भरनी। कर्मों के हिसाब से सब सिस्टम चलता है, क्यों, किसके हिसाब से। जैसे आजकल की बैंक पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज सिस्टम चल रहा, सॉफ्टवेयर के हिसाब से चलती हैं बैंकें आजकल। पहले के जमाने में तो बैंक किसी को भी लोन दे सकती थी, आज के जमाने में किसी को भी लोन नहीं दिया जा सकता। बिना पैन कार्ड बिना आधार कार्ड के आपका कोई काम नहीं होगा सरकारी, ये आज की मांग है, सही है क्या। ITR पूरा करना ही पड़ेगा आपको, और वो पूरा पैन कार्ड से ही लिंक होता है। उसी प्रकार जैसे आज की सारी चीजें पूरी सॉफ्टवेयर के हिसाब से चलती हैं, कंप्यूटर के हिसाब से चलती हैं, उसी तरह ईश्वर के भी हिसाब किताब पूरा अपडेट है। तुमने जैसा कर्म किया है वैसा तुम्हारी पहले से लिस्ट तैयार हो गई है, अगला जन्म तुम्हें क्या होना है कर्मों के अनुसार। मुझे इस संसार में आज आपको वृंदावन आना था, आज आपको यहाँ रोटी चावल और यहाँ आज आपको पानी पीना था, इतने दिन रहना था, ये आपके जन्म लेते समय पूरी आपका पूरा लिख दिया गया था कि आपको इस तारीख को यहाँ जाके यहाँ रोटियाँ खानी पड़ेंगी। इसलिए जहाँ का दाना पानी होता है आप जाते नहीं हैं, दाना पानी खुद अपने को बुला लेता है, दाना पानी है तब तक आप खाएंगे पियेंगे। कहते हैं ना दाने दाने में लिखा है, बोलो, दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। तो ये दाना पानी हमारे नाम का जब तक है तब तक हम लोग कहते हैं मर गए, मर नहीं गए, तुम्हारे नाम का दाना पानी इतना ही था, खत्म। कई लोगों को शक्कर की शुगर की बीमारी, डॉक्टर ने कहा शक्कर ना खाना, ये तो बीमारी बहाना, तुम्हारे नाम की शक्कर खत्म हो गई है। पहली खाली आपने सब जरूरत से ज्यादा, अब बंद करो, अब नहीं खाओ। तो ये बहाने हैं कि बीमारी हो गई और ये हो गया, और ठीक है तसल्ली के लिए सब सही है, पर सिस्टम ये कहता है कि सब पहले से निश्चित है। हर व्यक्ति कि अब आप कहेंगे महाराज जी ये मेरा जो जन्म हुआ, ये आपने जो पिछले जन्म में जो कर्म किया था वो इस जन्म में मिला, इस जन्म में आपके जो लिखा था उसके अतिरिक्त जो भी आपकी सोच अच्छी या बुरी आप करते हैं वो सारी चीजें आपका भाग्य वही तैयार होता। आप अच्छा, मैं आपको गाली नहीं दे रहा हूं, मैं आपके साथ अच्छा कर रहा हूं तो स्वाभाविक है आप भी मेरे साथ अच्छा करेंगे, और मैं आपका सम्मान करूं आप मेरा करेंगे, मैं किसी का दिल नहीं दुखा रहा हूं, तो भगवान सब लिख रहे हैं कि भाई आपने किसी का बुरा नहीं किया, आपका भी अच्छा ही होगा। और आप मैं किसी का मर्डर करूं, मैं किसी को लूटूं, मैं किसी को ठगूं, मैं किसी को मारूं, तो फिर ये मेरा पाप बढ़ता जाएगा और पाप का दंड भोगने फिर आना पड़ेगा संसार में, ये क्रम चलता है। अब आपका ये तो तय था कि वृंदावन आना है, पर वृंदावन में आना तय था, पर यहाँ आके पाप करना है कि पुण्य करना है ये तय नहीं था, ये तो आप तय करेंगे अपने विचारों से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से कि यहाँ आए हो।
तो यहां कथा सुनेंगे कि यहां पर कुछ और करेंगे उल्टे सीधे काम क्यों? तो ईश्वर की तरफ से यह तय है कि तुम किस मां के बेटे बन के जाओगे, तुम्हारा बाप कौन होगा, तुम्हारी मां कौन होगी, तुम्हारी पत्नी कौन होगी, तुम्हारे बच्चे, ये तय है। लेकिन तुम क्या संस्कार दोगे अपने बच्चों को, क्या वाणी बोलोगे, ये तुम पे निश्चित है। और ये तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारा अगला भाग्य बनेगा, अगली जो तुम्हारी हिस्ट्री लिखी जाएगी, तुम्हारी जो अगली जो तुम्हारी तुम्हारा लेख लिखा जाएगा, तुम्हारा भविष्य, जैसे हम कहते हैं भाग्य में लिखा, जो तुम्हारा भाग्य लिखा जाएगा वो अगला, वो आज की क्रियाओं को देखकर लिखा जाएगा कि आपने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, अच्छा किया तो क्या अच्छा किया, बुरा किया तो क्या बुरा किया, उसके हिसाब के हिसाब पे आपका अगला भाग्य, अपना आपका अगला भविष्य तय होगा। मैंने अच्छा किया तो मेरे भाग्य में अच्छा लिखा जाएगा, मैंने बुरा किया बुरा, मैंने इस तारीख को किसी को एक थप्पड़ मारा था, इस तारीख को मैंने किसी को गाली दी, ये सब लिखा जाएगा कि भाई आपने ये सब किया था, ये सब आपने किसी को रोटी दी, ये भी लिखा जाएगा, पुण्य भी पाप भी। फिर पाप और पुण्य को अलग किया जाता है, फिर पुण्य का फल आपको मिलता है, पाप का भी मिलता है, पुण्य का सुख मिलेगा, पाप का दुख मिलेगा। जो लोग कहते हैं महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, दुखी नहीं हो, तुम्हारे पापों का तुम दंड भोग रहे हो, है ना मैया। महाराज हमारे पति तो बड़े बुरे हैं, बुरे नहीं हैं, तुम्हारे किसी जन्म के कर्म बुरे होंगे तो तुम्हारे वो कर्म ही तुम्हारे पति के रूप में प्रकट हो गए हैं और तुम्हें वो बड़ा कष्ट दे रहा है, तुम्हारे कर्म दंड तुम्हें मिल रहे हैं। एक पति बोले महाराज हमारी पत्नी तो बहुत मारती है, अब पिटो क्या करोगे, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पत्नी बन के आए, अब पिटो, पीटेगी। तो तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पत्नी बनते हैं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे पति बनते हैं, और वही कर्म तुम्हारे पति पत्नी बन के सामने आके खड़े हो जाते हैं। तुम्हारे अच्छे बुरे कर्म ही तुम्हारा बेटा बनेगा, किसी का बेटा बहुत अच्छा है तो किसी का बेटा बहुत बुरा, तुम्हारे कर्म कहीं बुरे बिगड़ गए होंगे तो बुरा बेटा है, मारता है लाठियों से, और कोई का बेटा इतना अच्छा है कि आरती उतारता है, अपनी माँ की पाँव धो के पीता है, तो ये भी बेटे हैं। तो आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो आपका कर्म आपका अच्छा बेटा है, बेटा पत्नी पति कोई, आपके कर्म ही को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, हर व्यक्ति अपने किए कर्मों का दंड भोगने आता, इसलिए ये कर्म भूमि है, यहाँ किए कर्म का फल मिलता है, इसीलिए इसे मृत्यु लोक कहते हैं। मैया समझ रही हो? तो आपके जीवन में कितनों के जीवन में दुख चल रहा है, समझ लेना कि ये दुख तुम्हें हंस के गुजारना है, अब रोने से तो कोई बात बनेगी नहीं, अब पति बुरा है महाराज तो क्या करोगे, अब है अब निभाओ, क्या करोगे, फिर दूसरा ऑप्शन है छोड़ दो, तो छोड़ने से भी भाई आपका समाधान हो तो आप विचार कर लो, छोड़ने में समाधान नहीं है, अब जैसा है निभाओ, भोगना तो पड़ेगा, एक को छोड़ दोगे दूसरे के पास जाओगे तो मिलना तो है तुम्हें दुख, वो भी तुम्हें दुखी देगा, तुम दस बदलो तो दस, एक बात दस जगह बढ़ जाएगी, भोगना तुम्हें तुम्हारे भाग्य का तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, चाहे एक के पास भोग लो चाहे दस के पास जा जाके भोगो, ये कर्म दंड है, ये चाहे तुम कहीं जमीन के अंदर गड़ जाओ तो भी तुम्हें भोगना पड़ेंगे, कर्म दंड तो भोगने ही पड़ते, समझ रहे हैं मेरी माँ, क्या करना पड़ेगा, कर्म दंड भोगने पड़ेंगे। तो पत्नी पति बुरे हों, बेटा बेटी बुरी हों, पड़ोसी रिश्तेदार बुरे हों, सब कुछ बुरा हो तो भी खुश रहने की आदत बनाओ, ये सोचकर कि ये आपके पापों का दंड मिल रहा है, भोगने पे खत्म हो जाएगा ये दंड, हमने किया था सो मिल रहा है, को ना का